तो भाई आज की ये वीडियो मैं उसी वीडियो पे बात करके शुरू करना चाहूंगा भाई, जिस वीडियो ने कल के दिन चारों तरफ सोशल मीडिया पे तहलका मचा रखा था। हाँ भाई, जो यूएसए से कल के दिन हारिस रॉफ की वो लड़ाई वाली वीडियो आई है जहां वो एक फैन के साथ उलझ गए हैं यूएसए के अंदर, भाई कसम से वीडियो देख के मजा आ गया। जिस तरीके से हारिस रॉफ का रिएक्शन देखने को मिला, मतलब उनकी वाइफ जो है रोक रही है, हारिस रुक जाओ, हारिस जान रुक जाओ, मत जाओ लड़ने। और भाई सबसे ज्यादा मजा तो मुझको तब आता है जब हारिस रॉफ उस फैन से कहते हैं कि ये इंडियन होगा, तभी ऐसा बोल रहा है, लेकिन जवाब में वो फैन कहता है कि भाई मैं इंडियन नहीं, पाकिस्तानी हूं। अरे हारिस भाई, किसी पाकिस्तानी को इंडियन कहने से अच्छा ये नहीं कि भाई जिंदगी में ऐसे काम ही ना करें कि खुद के ही देश वाले खुद को गाली दें। वैसे भाई अगर कोई तुम में से ऐसा है जिसने इस लड़ाई की पूरी रॉ फुटेज नहीं देखी है, तो भाई पूरी की पूरी फुटेज विद क्लियर ऑडियो आपको देखने को मिलेगी कहां? हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी पे, जहां पे मैंने ये वीडियो टॉप पे पिन करके रखी है। भाई यार एक बार जाके वो वीडियो जरूर देखना, कसम से मजा आ जाएगा। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि भाई हमारे इस क्रिक टाइम विद जोशी के टेलीग्राम चैनल पे हम क्रिकेट वर्ल्ड की ऐसी रेयर अपडेट्स, ऐसी रेयर वीडियोस, ट्रेंडिंग अपडेट सबसे पहले आप तक लाते हैं, और ऐसा माल वहां पे लाते हैं जो आसानी से आप तक पहुंचता नहीं है, या फिर लोग चाहते नहीं है कि वो आप तक पहुंचे, पर हम आपके लाते हैं। तो जल्दी जाओ, लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी का डिस्क्रिप्शन में, जाओ जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। खैर लोग जो है भाई वो तो देखो हारिस रॉफ और पाकिस्तान को गालियां देते रहेंगे क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा करा है, ऐसा ही काम वो करते आए हैं सदियों से कि गाली खानी पड़े। लेकिन फिलहाल मैं जो तुमको बताने वाला हूं ना, वो के शायद तुम भी मुझको गाली दे सकते हो। अब देखो ये तो तुम जानते ही हो कि कल से शुरू हो रहे हैं सुपर 8 के मुकाबले, कल के दिन इंडिया का भी पहला सुपर 8 का मैच होना है। लेकिन भाई तुम ये भी जानते हो कि सुपर 8 में इंडिया का एक मैच ऑस्ट्रेलिया से भी होना है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट मैच होगा लोग कह रहे हैं T20 वर्ल्ड कप 2024 का। देखो ये तो हमको पहले से पता था कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला एकदम टक्कर का होगा, मतलब इंडिया के लिए सुपर 8 में जो सबसे मुश्किल मैच होगा वो असल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही होगा। लेकिन भाई क्या तुम्हें पता है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का ये मैच आखिर किस मैदान पे होना है? भाई ये मैच होना है सेंट लूसिया के मैदान पे। मैं बताना चाहूंगा कि इस T20 वर्ल्ड कप 2024 में सेंट लूसिया में अभी तक जितने भी मैच हुए हैं, पता है वहां हाल क्या रहा है? श्रीलंका ने नीदरलैंड के खिलाफ यहां पे 201 रन जड़ दिए थे, वेस्टइंडीज ने अफगानिस्तान के खिलाफ 218 रन जड़ दिए थे, और भाई हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने जब स्कॉटलैंड के खिलाफ मैच खेला था उन्होंने 181 रन का टारगेट इस मैदान पे चेस कर दिया था। मतलब जहां इस T20 वर्ल्ड कप में हमको 100-120 रन देखने को मिल रहे हैं, वहीं भाई एक मैदान ऐसा भी है जहां भाई बहुत ही आसानी से 190-200 पड़ रहे हैं। मतलब भाई इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच में बल्लेबाजों का बोलबाला रहने वाला है, चौके छक्कों की बारिश होने वाली है। मतलब भाई मैच जो है जितना खतरनाक हम समझ रहे थे उससे कई गुना और ज्यादा खतरनाक होने वाला है। अब भाई खतरनाक से याद आया कि कल के दिन गौतम गंभीर BCCI के सामने प्रेजेंट हुए थे इंटरव्यू देने के लिए इंडियन हेड कोच की पोजीशन के लिए, और भाई पता चला कि पहला राउंड उनका कंप्लीट हो गया है, आज के दिन उनका अगला राउंड होने वाला है। और भाई ये भी पता चला है कि गंभीर ने BCCI के सामने कोच बनने से पहले कुछ डिमांड्स रखी हैं, कुछ कंडीशंस रखी हैं। पहली कंडीशन ये है कि गौतम गंभीर की फुल कमांड होनी चाहिए टीम पे, कोई भी बाहर का आदमी आके उनके काम में दखल नहीं देगा। इसके अलावा गौतम गंभीर ने यह भी कहा है कि उनकी एक कोशिश रहेगी कि जो प्लेयर्स व्हाइट बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं उसमें से मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स रेड बॉल क्रिकेट ना खेलें, जितने कम यहां पे हमें क्लैशेस देखने को मिलेंगे रेड बॉल क्रिकेट और व्हाइट बॉल क्रिकेट के प्लेयरों में उतना अच्छा होगा। मतलब भाई क्या बुमराह जो हैं वो सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेलेंगे, कोहली जो हैं वो T20 ODI और टेस्ट साथ में नहीं खेलेंगे, रोहित जो हैं वो ODI और टेस्ट साथ में नहीं खेलेंगे? भाई देखो ऐसा नहीं है, ये नहीं कहा गया है कि बिल्कुल भी यहां पे कॉमन प्लेयर्स नहीं होने चाहिए, कोशिश करी जाएगी कि कम से कम प्लेयर ऐसे हों जो सभी फॉर्मेट के लिए खेलें। ज्यादातर प्लेयर ऐसे होंगे टीम में जो सिर्फ और सिर्फ रेड बॉल क्रिकेट पे फोकस करेंगे, और मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स ऐसे होंगे जिनका काम होगा सिर्फ और सिर्फ व्हाइट बॉल क्रिकेट पे फोकस करना। भाई जब से मैंने गौतम गंभीर की ये डिमांड सुनी है मेरे को तो चक दे इंडिया के शाहरुख खान याद आ रहे हैं। बाकी भाई मैं यहां पे ये भी बता दूं कि रेव स्पोर्ट्स के हवाले से ये भी पता चला है कि जॉन्टी रूट्स को इंडिया का अगला फील्डिंग कोच कंसीडर करा जा रहा है। वैसे भाई जॉन्टी रूट्स अगर फील्डिंग कोच बन गए तो कसम से मजा आ जाएगा। अब आगे बढ़े नेक्स्ट अपडेट की तरफ, तो भाई देखो ये तो तुमको पता ही है कि न्यूजीलैंड का सफर T20 वर्ल्ड कप 2024 में खत्म हो चुका है, बहुत ही वाहियात परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस रही उनकी इस टी20 वर्ल्ड कप में, लेकिन भाई ये भी पता चला है कि जो केन विलियमसन है वो आने वाले कुछ दिनों में टी20 क्रिकेट को अलविदा कह सकते हैं। उन्होंने कल के दिन एक स्टेटमेंट दिया कि अभी तो उन्होंने कुछ ऐसा डिसीजन नहीं बनाया है, लेकिन फिर भी उनको लग रहा है कि शायद आने वाले टाइम में वो ज्यादा टी20 क्रिकेट में ना दिखें। और भाई देखो, विलियमसन को दिखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पिछले काफी वक्त से वो टी20 क्रिकेट में पूरे तरीके से फ्लॉप रहे हैं, जो हिटिंग कैपेबिलिटी है उनकी पूरे तरीके से खत्म हो चुकी है। तो ऐसे में अगर वो टी20 क्रिकेट को अलविदा कह लें और सिर्फ ODI और टेस्ट क्रिकेट पे फोकस करें तो ये उनके लिए अच्छा है। अब विलियमसन भाई हर कोई कोहली जैसा थोड़ी होता है, जो 5-4 का हिस्सा भी हो और तीनों फॉर्मेट में कमाल का प्लेयर भी हो। अब देखो भाई, केन विलियमसन कब रिटायर होंगे ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन भाई जो डेविड वार्नर हैं उनका कंफर्म है कि जैसे ही टी20 वर्ल्ड कप खत्म होगा तो वो टी20 क्रिकेट को भी अलविदा कह देंगे। तो इसी चीज को लेके भाई कल के दिन डेविड वार्नर का एक स्टेटमेंट आता है, जहां वो कहते हैं कि देखिए, आज से चाहे हम 20-30 साल आगे चले जाएं, लेकिन तब भी जब कोई डेविड वार्नर की बात करेगा या फिर जब भी डेविड वार्नर के नाम का जिक्र होगा तो 100% जो मेरे करियर से एक सैंड पेपर स्कैंडल वाला दाग जुड़ा है उसका जिक्र भी करेगा ही करेगा। मतलब भाई इससे कहीं ना कहीं डेविड वार्नर का एक दुख समझ में आता है और एक सीख भी मिलती है कि जिंदगी में चाहे आप 1000 अच्छे काम कर लो, लेकिन अगर आपने गलती से भी एक गलत काम करा हुआ है ना, तो लोग भाई उसे भूलते नहीं है। अच्छे काम भूल जाएंगे लेकिन गलत काम कभी नहीं। इसके अलावा भाई कल के दिन हमें इंडिया की नेट प्रैक्टिस से कुछ सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं, जहां पहले दृश्य में देखने को मिलता है कि जो रिंकू सिंह हैं वो भाई नेट्स पे बॉलिंग करा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो रिंकू सिंह कह रहे हो, यार तुम लोग मेरे को इस वर्ल्ड कप में बैटिंग तो कराने नहीं वाले हो, कम से कम अपनी बॉलिंग ही अच्छी कर लूं, क्या पता आज मैं ऑलराउंडर होता तो इस टी20 वर्ल्ड कप में खेल रहा होता। इसके अलावा भाई इंडिया की इसी नेट प्रैक्टिस से एक और तस्वीर सामने आती है, जहां इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा, विराट कोहली और इंडिया के वाइस कैप्टन हार्दिक पांड्या आपस में कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। वैसे कहते हुए तो ज्यादा इसमें विराट कोहली दिखाई दे रहे हैं, शायद कह रहे होंगे कि रोहित भाई अब सीरियस हो जाते हैं यार, सुपर हिट आ चुके हैं, अब तो रन मानने ही मानने हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जो इतना हेट हार्दिक पांड्या को IPL के दौरान मिल रहा था वर्ल्ड कप खत्म होने तक, वो हेट जो है प्यार में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि हार्दिक की परफॉर्मेंस इस टी20 वर्ल्ड कप में भाई कमाल की रही है और सच में जितना हेट उनको IPL मिल रहा था बहुत हद तक वो उस हेट को प्यार में कन्वर्ट करने में सफल रहे हैं। तो कोहली यही सोच रहे होंगे कि कहीं हार्दिक को जो हेट मिल रही थी वो तो भाई प्यार में कन्वर्ट हो ही जाएगा, लेकिन जो हमको IPL के दौरान प्यार मिलता है ऐसा ना हो वर्ल्ड कप खत्म होने तक वो प्यार हेट में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा भैया, सुपर एट में कोहली भाई इतने रन मारेंगे कि हर टीम यही बोलेगी कोहली भाई इतने भी रन नहीं मारना था, थोड़े आप पहले मार लेते तो कम से कम यहां तो कम मारते। वैसे भाई रन मारने से याद आया कि कल के दिन वेस्टइंडीज ने अफगानिस्तान के खिलाफ कुछ ज्यादा ही रन नहीं मार दिए, और निकोलस पुरन को क्या हो गया था भाई, 53 बॉल पे 98 मार दिए, 6 चौके 8 छक्के। भाई देखो, वेस्टइंडीज जो है भले ही इंडिया के ग्रुप में नहीं है, लेकिन अगर किसी भी तरीके से इस वर्ल्ड कप में मुलाकात वेस्टइंडीज की इंडिया से हो गई ना, तो भाई मैच जो है एकदम टक्कर का होगा। क्या पता दो पल के लिए वेस्टइंडीज की टीम हमें ज्यादा डोमिनेटिंग लगे, थोड़ी सी बॉलिंग में कमजोर पड़ सकती है, लेकिन भाई बैटिंग के मामले में वेस्टइंडीज की टीम का भाई कोई कंपैरिजन ही नहीं है। 10वें 11वें नंबर तक उनके बैट्समैन आते जाते हैं और ऐसे बैट्समैन आते हैं जो भाई खड़े खड़े लंबे लंबे छक्के लगाते हैं। तो भाई ये भी हो सकता है कि वेस्टइंडीज एक बार फिर से हमको टी20 का टाइटल उठाते हुए देखने को मिल जाए। वैसे भाई मैं यहाँ पे एक और चीज कहना चाहूंगा कि देखो, ये तो हमको पता है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो सुपर एट में हमारे ग्रुप में है, और बहुत हद तक चांसेस है कि सेमीफाइनल में इंडिया के ग्रुप से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। तो मतलब ये भी कंफर्म है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में तो नहीं भिड़ेंगे, मतलब भिड़ेंगे अगर दोबारा तो सिर्फ और सिर्फ फाइनल में भिड़ेंगे, यानी 2023 ODI वर्ल्ड कप के फाइनल में जो टीमें थी एक बार फिर से हमको 2024 टी20 वर्ल्ड कप में देखने को मिल सकती हैं। मतलब इंडिया के पास एक बहुत ही बेहतरीन मौका यहां पे हो सकता है बदला लेने का और बदला लेके टी20 वर्ल्ड कप अपने नाम करने का। हाँ ठीक है, ODI वर्ल्ड कप और टी20 वर्ल्ड कप में बहुत बड़ा अंतर होता है, लेकिन फिर भी बदला तो बदला होता है। क्या आपको लगता है कि इस वर्ल्ड कप में इंडिया को बदला लेने में सफल रहेगी? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वैसे आपके हिसाब से इस वर्ल्ड कप के फाइनलिस्ट कौन होंगे, जवाब अपना कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़िएगा। बाकी भाई वो जो हारिस रॉफ की लड़ाई वाली वीडियो है ना, पूरी डाल के रखी है, क्लियर ऑडियो के साथ तुम सुन पाओगे कि भाई हारिस रॉफ क्या कह रहे हैं। जल्दी जाओ, पूरी वीडियो है नन अदर देन हमारे टेलीग्राम क्रिकेट टाइम जोशी पे, उसे ज्वाइन करो, वीडियो का आनंद लो, टॉप पे पिन करके रखी है। बाकी वीडियो पसंद आई लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।